अजमेर में बिहार जाने के लिए विजयनगर से परिवार पैदल पहुंचा अजमेर, यहां भी नहीं मिल पाया टिकट। कोरोना महामारी के कारण लगाया गया लॉकडाउन श्रमिकों पर भारी पड़ रहा है। करीब सवा महीने के लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने श्रमिकों को उनके घर भेजना शुरू किया, जब तक श्रमिकों के पास रुपए खत्म हो चुके हैं। ऐसे एक गरीब परिवार जो विजयनगर में किसी फैक्ट्री में काम कर अपने लिए रोटी कमाता था, वह गरीब परिवार अपने गांव बिहार जाने के लिए विजयनगर से पैदल ही निकल पड़ा। ऐसे में समाज सेवी शैलेंद्र अग्रवाल ने उनकी मदद के लिए उनको खाना पीने का सामान दिया। इस मौके पर अग्रवाल ने सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने की भी मांग की। कहाँ से आए हो आप लोग? विजयनगर गुलाबपुरा से। पैदल आए हो? कई में आए हो? पैदल आए। कितने जने हो? हम लोग 10-12 आदमी। कहाँ जाना चाहते हो? बिहार जाना चाहते हैं, भागलपुर के लिए। वहाँ क्या करते थे? विजयनगर में क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे। फिर कंपनी बंद हो गए। राशन पाने के लिए पैसा कोई है नहीं, तो ट्रेन चलने लगे तो हम लोग सोचे कि घर चल जाते हैं, राशन पाने के लिए है नहीं पैसा, इसीलिए आए। फिर यहाँ क्या जवाब दिया अभी आपको? यहाँ आए तो बोले कि वहाँ थाना गए तो थाना में बोले क्या वहाँ कलेक्टर से बात करो। कलेक्टर के पास आए तो अभी हम लोग को यहाँ बैठाया है, इसके पापा को बुलाया है, अब देखिए क्या हो रहा है। अभी आप जैसे बाहर मिलकर आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? बाहर जो आप बैठे उनसे आप मिले थे, उन्होंने क्या कहा? हम लोग को तो बोले कि जाओ वहाँ बैठे, इसके पापा को बुलाए। हाँ। वहाँ से पैदल आया विजयनगर से? हाँ पैदल आए। अच्छा, अभी पैदल आए। वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, ये सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसके बावजूद काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। विजयनगर से चलकर बिहार के प्रवासी श्रमिक आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट अजमेर पहुँचे। इन्हें बिहार जाना था परंतु यहाँ पर प्रशासन द्वारा इनको कहा गया कि अभी आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा और आपको पास के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अभी अनपढ़ लोग हैं, न तो कोई फार्म भरना जानते हैं, न और कोई प्रक्रिया जानते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रशासन को मानवीय आधार पर सहायता करके और इनको प्राथमिकता के साथ अपने गांव पहुंचाना चाहिए। आज जब मैं सेवा कार्य करने के लिए निकला शहर में, तो कलेक्ट्रेट के बाहर सरेराम मीडिया चैनल के हमारे बंधुओं के माध्यम से मालूम पड़ा कि ये पीड़ित परिवार इस तरह परेशान है, तो जो भी सेवा कार्य मुझसे बन पड़ा इनके, क्योंकि इनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और बाज़ार में भी कुछ उपलब्ध नहीं है, तो जो भी अवेलेबल था वो थोड़ी बहुत सेवा इनकी की। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, सरकार इनकी मदद करना चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, परंतु प्रशासन को मानवीय आधार दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों को प्राथमिकता से मदद करनी चाहिए और जिनके बाद पैसे खत्म हो गए उनके खाने पीने का भी इंतजाम प्रशासन को करना चाहिए। शैलेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज अजमेर। इसके अलावा मेले में काम करने आए कई मजदूर जो काफी समय से नाखवड़ी में रह रहे थे, उनको भी आज्ञा नहीं मिली। इनका कहना है कि इन्होंने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन फिर भी इन्हें आज्ञा नहीं मिली और अब ये काफी समय से परेशान हो रहे हैं। सर, हम लोग ऑनलाइन करा चुके थे पहले से, ठीक है, ऑनलाइन कराए थे, मोबाइल पे मैसेज भी आया है लेकिन उन लोगों को दिखा रहे तो सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल रहे फोन आएगा आपके पास जब भी आप जा सकते हैं, फोन भी आया था हम लोग के पास फिर भी नहीं जानते अंदर, बोलते हैं नहीं अभी नहीं जा सकते आप, बस जो आ रहा है वही जाएगा अंदर, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, कितने जने हो आप? हम लोग 15-20 जने हैं। 15-20 जी, अभी आ रहे रास्ते में। अच्छा, और बच्चे भी हैं? स्कैनिंग वगैरह हुई आपकी? जी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई है सर। अभी हम लोग रूम से अभी आ रहा, जिससे हम लोग सुने गाड़ी जा रही है तो हम लोग भागते भागते आ रहे हैं। जहाँ आपका घेरे हुए वहाँ पर गाड़ी लगी होगी ना? नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी सर गाड़ी नहीं गई है। किस जगह से हो? ये नागपनी, छोटे नागपनी लक्ष्मी मोहल्ला गली नंबर 1। नाम बताइए आप? इम्तियाज। अजमेर।